गाइस बैग्स आर रेडी, सामान भी रख रहे हैं गाड़ी में, सारा फुल ऑन मजे में। रेड बुल ले गई। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं मुकुल वर्मा लेके आ गया एक और नई वीडियो आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस एक ट्रिप से होके आए, तो एक और ट्रिप शॉर्ट ट्रिप का प्लान बन गया है। तो अपन कहीं घूमेंगे नहीं, चिल वीकेंड के लिए जा रहे हैं। ठंड हो रही है यहाँ बहुत ज़्यादा, ठंड हो रही है। हमने सोचा नहीं था ऐसे ब्लॉग करेंगे, सोचा एक वीडियो तो डाल ही देंगे। तो भाई पिछले हफ्ते मुक्तेश्वर से होके आए हैं, जब हम जा रहे हैं ऋषिकेश बलिनो से। सामान सारा रख लें, निकलते हुए बताते हैं। अभी 11 बज रहे रात के, पैकिंग वैकिंग होके दिखाते हैं पूरी गाड़ी, पूरी गाड़ी फिर आपको दिखाते हैं। देख लो गाइस एक बार, हम दिखाते हैं हमारा सारा सिस्टम यहाँ रखा हुआ है। बैग वैग बलिनो खा दी है, बूट स्पेस बहुत आता है क्यों भाई, और क्या, और इजी टू क्लोज। चलो फटाफट से। तो गाइस अब फटाफट निकल रहे हैं। हाँ भाई निकल रहे हैं, निकल रहे हैं भाई। टाइम टाइम बता दे एक बार, टाइम है फोन से देख के एक बार, देख के बता दो, दिखा दे एक बार टाइम। टाइम हो रहा है जी 11:53 आपके सामने, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम बता रहे हैं, अब तो दिख गया होगा। 11:53 हो रहे हैं, फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं। एक भाई को और पिक करना है, दो भाई को और पिक करना है, और फिर हम जा रहे हैं ऋषिकेश। गाड़ी वही रुकेगी सीधा है, चलो फटाफट से मिलते हैं। ऋषिकेश भी थोड़ा आगे है, थोड़ा आगे कैंप वैम साइड में, चिलौन सीन है वो, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। हाँ और अभी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, निकल रहे हैं। सेफ जाए, सेफ है, ईद हुआ है, जो होगा अपडेट करते हैं बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर नहीं करा, तो इसको भी कर लेना आदित्य सिंह के नाम से, और यहाँ पे यूजर नेम आ रहा होगा इसका भी, मेरा भी कर लेना जाके फटाफट से। सो गाइस निकल चुके हैं बदमाशी से। हाँ जी कैसा चल रहा है? बस बढ़िया यार, कोहरा बहुत है भाई, गाड़ी 40 से ऊपर नहीं जा रही है गाड़ी भाई। कोहरा तो बहुत है गाइस, 40-30-40 ही चल रही है। चल रहे हैं भाई, सुसु ब्रेक लिया था एक छोटा सा, मतलब खींच रहे हैं गाड़ी मेरठ पहुंचने वाले, मतलब इतनी भी नहीं खींच रहे, आराम से खींचेंगे, मतलब बस वही अपना 7 बजे तक ही पहुंचेंगे, आराम से चल रहे हैं, निकल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोहरा बहुत ज्यादा है। गाड़ी की हालत देख लो यार, थोड़ी गंदी पहले से भी थी और एकदम भाप भाप जम रही है। हाँ जी कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत भाई, 4 घंटे हो गए, सिर्फ 150 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चली है, 4 घंटे के करीब हो गए भाई। हाँ 12 बजे निकले थे भाई, 4 बजने में 10 मिनट आ गया, और 150 किलोमीटर गाड़ी नहीं चली, इतना 20-30-40-50 मैक्स, नहीं तो 0 कह रहा हूँ, बिल्कुल अपना गाड़ी का बोनट ही नहीं दिख रहा सही में। बस थोड़ा कुछ खाते हैं, ब्रेक लिया अभी रुड़की, अराउंड 30-40 किलोमीटर है, फॉग एकदम बह रहा है बहुत तेजी से, ये देख सकते हो आप। हाँ जी कैसा रहा? बढ़िया है, काफी फॉग है तो इसलिए फट रही है थोड़ी, बहुत ज्यादा फॉग है, बहुत है, ठंड अच्छी खासी हो रही है। और अभी हम कितने हैं रुड़की से? 40-50 किलोमीटर दूर है, ऋषिकेश होंगे 115। हाँ इतना ही मान लो, अभी बहुत धीरे जा रहे हैं, वरना अभी तो रुड़की पार हो जाता, बट यहाँ पे फॉग ज्यादा है तो इसलिए हम थोड़ा आराम से। अरे भाई गौरव भाई पैसे ज्यादा आ रहे हैं क्या?
पैसे गिरा दिए। चाय पी रहे गाइस फटाफट से अब, और पूरा देख लो एक बार। तो गाइस अब पता नहीं किस टाइम का हमने खाना खाया है, एक डेढ़ पराठा खा लिया है भाई। किस टाइम का खाना खाया हमने भाई, हमने पता नहीं कौन सा खाना खाया, बट भाई गाइस ठंड बहुत हो रही है, कोहरा तो बहुत ही ज़्यादा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कम से कम हमें यहाँ से लगेंगे दो ढाई घंटे तो मान लो, तो मान लो रुड़की के लिए डेढ़ घंटा। गाड़ी बहुत स्लो चलती है ना, बस यहाँ से खा लिया है और चाय पी लिए दो दो, और यहाँ से हम निकल रहे हैं फटाफट से, वॉशरूम वगैरह हो गए हैं, सुबह फ्रेश व्रेश जिसको जो होना था अब यहाँ से निकल रहे हैं। कोहरा देख लो यार, कोहरा मतलब बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैसे जा रही है गाड़ियाँ नहीं दिख रही, वो रोड है बिल्कुल सामने ही है मेन रोड, देखो ये मेन रोड है, गाड़ियाँ दिख नहीं रही, पता नहीं है। ऐसे वेदर में प्लीज़ थोड़ा ध्यान से चलाओ, धीरे चलाओ, क्योंकि कुछ नहीं दिखता आगे, और एकदम से अगर ब्रेक मार दी दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम लोग भी बहुत धीरे चला रहे हैं, ये लोग तो भगा रहे हैं, बट धीरे चलाओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ नहीं पता आगे, कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए आराम से ही चलाओ। तो यही कोशिश रखेंगे हम भी, फटाफट से पहुँच जाए, जैसे ही पहुँच जाएंगे हम आपको बता देंगे। भाई कुछ नहीं दिख रहा भाई, तो गाइस फाइनली हम कैंप साइट पहुंच गए हैं। तो ये ऊपर वाले कैंप है, कुछ कैंप होते हैं रिवर साइड वाले, हम ऊपर वाले कैंपों में आए, और आपने देख ही लिया रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था, लैंडस्लाइड भी देखो होती रहती है वैसे तो यहाँ पे। और बाकी अब एक बार पूछ व्यू दिखाऊंगा, उससे पहले इनको बोल रहा हूँ एक बार लाइक कर देना इस व्यू के लिए यार। और मुक्तेश्वर वाली सीरीज़ नहीं देखी उसकी भी आई बटन प्ले लिस्ट होगी, जाके देख लेना। नदी में ये वाला पगडंडी वाला, इसे ट्रैक करके अभी हम नीचे जाएंगे थोड़ी देर में शाम को, ठीक है। देख लो बाकी एक बार व्यू देख लो यार, एक नंबर व्यू है भाई। ओए होए, अगर आप ध्यान से सुन पा रहे होगे तो पानी की आवाज आ रही है। बाकी अभी एक बार कैंप वैम देखते हैं, फिर डील होती है कहाँ पे क्या लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ आपको दिखाते हैं कितने में लिया, क्या सिस्टम है।